देखिए ये है दौलत की चाट, ये मुंह में जाते ही घुल जाता है, जिस तरह से कि पैसा गायब हो जाता है आदमी के पास रहता है और कहाँ खर्च हो जाता है पता नहीं चलता, उसी तरह से ये मुंह में जाता है और घुल जाता है, पता नहीं चलता कि आप क्या खा रही हैं। आपने देखा ही है कि ये कितना फ्लफी और मुलायम है, इसको मुंह में डालते ही ये घुल जा रहा है। अब आइए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो इसको खाती हूँ। ये आधा लीटर हमने फुल क्रीम दूध लिया है, एकदम चिल्ड दूध है, इसको हमने फ्रिज में रखा था। अब आइए हम निकालते हैं इसको और इसकी हम मलइयों बनाएंगे। आधा लीटर दूध में हम 100 ग्राम के करीब फ्रेश क्रीम लेंगे, उसको हम डालेंगे। क्रीम डालने से आपका जो झाग उठता है वो बहुत बढ़िया उठेगा। इसको आप इस तरह से डाल दीजिए इसमें। इसको हम पूरा इसमें इस तरह से डाल देंगे। क्रीम इसमें इसलिए डाला जाता है कि जो मलइयों का झाग होता है, दौलत की चाट का झाग होता है, वो पूरा क्रीम ही होता है। तो इसलिए इसमें हम मलाई जो बनाएंगे, दौलत की चाट, दूध मलइयों, जो भी आप कहें, मक्खन मलाई, तो हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब हमने इसमें आधा कप जो है रोज़ सिरप लिया है, उसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो केसर वाला भी बना सकती हैं, इलायची के फ्लेवर वाला भी बना सकती हैं, लेकिन जब आप केसर और इलायची के फ्लेवर वाला बनाएंगे तो उसमें आपको चीनी डालना पड़ेगा। हम रोज़ सिरप का बना रहे हैं, हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा है। हमको एक गहरा बर्तन लेना है ताकि जब हम इसको ब्लेंड करें तो इसका झाग जो है वो बाहर न गिरे, तो हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं एक गहरे भगोने में। देखिए हम ब्लेंडर से इसको चलाएंगे, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मथनी से इसको मथ लीजिएगा। तो आइए अभी इसको चला रहे हैं। ये काफी मेहनत का काम है, थोड़ा इसमें टाइम और पेशेंस की जरूरत है। किनारे किनारे जो मक्खन जमा हुआ है झाग, उसको हम एक बाउल में निकालेंगे धीरे से, ऊपर से इसको आप ऊपर से निकाल लीजिए। ये हम लोग बहुत बचपन में खाते थे और इसको हमारी माँ और बड़ी माँ बनाती थी, यानी मेरी ताई जी। तो वो लोग करती क्या थी कि दूध लेकर ओस में रख देती थी रात भर बाहर, और फिर सुबह उठती थी तो इसको मथती थी मथानी से। उस समय तो मिक्सी और ब्लेंडर नहीं था, और रहा भी होगा तो बहुत कम रहा होगा, तो इसको जब मथ लेती थी तो इसी तरह से इसका जो झाग है वो निकल जाता था सारा, और फिर हम लोगों को ठंडा ठंडा देती थी खाने के लिए। ये 3 बार का बैच है, 1/2 kg दूध में इतनी मलइयों आपकी तैयार हुई है। ये कम से कम 4-5 कुल्हड़ होगा बड़ा वाला, जो कि आपको मार्केट में बड़ा कुल्हड़ लेने जाइए तो 10-15 रुपये में मिलेगा, और आप घर पे बनाइए 1/2 kg दूध में तो आप इफ़रात बना सकती हैं। थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगता है और पेशेंस की भी ज़रूरत है इसमें, क्योंकि जल्दीबाजी में ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस फ्लेवर में बनाना चाहती हैं। आप चाहें तो केसर का भी बना सकती हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, किसी भी फ्लेवर का आप इसको बना सकती हैं। ये 1/2 kg दूध में इतना सा दूध बचा हुआ, अगर आप चाहें तो इसमें अभी और निकल सकता है। तो देखिए ये 1/2 kg दूध में इतना हमने मलइयों बनाया है, और इसको अभी हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये और थिक हो जाएगा, तो चलिए इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं। देखिए ये 1/2 घंटा हमने फ्रीजर में रखा था, ये एकदम थिक हो गया। आइए अब हम इसको एक कुल्हड़ में निकालते हैं। ये आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं। ये देखिए
इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये इसकी गार्निशिंग करते हैं हम। ये कुछ पिस्ता है, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।